student, come to page number 49. Write today's date, day and classwork. Okay? Let's start with question number A. Fill in the blanks with the help of hints given below. कहाँ hints दे रखे हैं? Hints यहाँ आपको दे रखे हैं. Okay? You need to fill all these blanks with the help of this hints. ये सारे blanks को आपको fill करना है इस hints के help से. मैम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही है, आंसर आप खुद से करेंगे. क्वेश्चन नंबर वन, द डैश टूल इज यूज टू ड्रॉ फ्री फॉर्म लाइन्स. कौन सी टूल की हेल्प से आप फ्री फॉर्म लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं? ठीक है. क्वेश्चन नंबर टू, द डैश टूल इज यूज टू सेलेक्ट एनी पार्ट ऑफ द पिक्चर. कौन सी टूल की हेल्प से आप आपके पिक्चर की कोई भी पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं? वो कौन सा टूल होता है जिसकी हेल्प से आप सेलेक्ट कर पाते हैं कोई भी पिक्चर? The dash tool is used to draw object with different kinds of brushes. कौन से टूल यूज करके आप अपने किसी भी ड्राइंग में डिफरेंट काइंड के ब्रशेस ला सकते हैं, यूज कर पाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए? तो आपको वो बताना है कौन सा टूल होता है. फोर्थ, द डैश टूल इज यूज टू इरेज एनी पार्ट ऑफ एन इमेज. आपके जो भी एक पिक्चर है, जो भी एक इमेज है, उसको अगर इरेज करना है आपको कोई भी उसका पार्ट, तो आप कौन सा टूल यूज करेंगे? क्वेश्चन फाइव, द सेलेक्ट टूल इज प्रेजेंट ऑन द डैश ग्रुप. सेलेक्ट टूल जो है वो प्रेजेंट रहता है डैश ग्रुप में. आपको बताना है कौन से ग्रुप में रहता है. क्लियर? नाउ लेट्स डू राइट टी फॉर ट्रू एंड और एफ फॉर फॉल्स. आपको विच एवर स्टेटमेंट इज राइट, करेक्ट, ट्रू, यू नीड टू राइट इन फ्रंट ऑफ दैट इन दिस बॉक्स टी. अगर फॉल्स है तो आप यहाँ पे एफ लिखेंगे, गलत है, इनकरेक्ट है, तो आप यहाँ पे फॉल्स रखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन वन, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ अ ड्राइंग. आप अपनी ड्राइंग की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यू नीड टू टेल दैट. नाउ टू, यू कैन नॉट मिनिमाइज द पेंट विंडो. जो पेंट विंडो है आप उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, उसे छोटा नहीं कर सकते. थर्ड, पेंट सॉफ्टवेयर सेव्स योर ड्राइंग ऑटोमेटिकली. क्या पेंट सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइंग को सेव करता है? यू नीड टू टेल दैट. ये ट्रू है लाइन या फॉल्स है? फोर्थ, अ स्क्वायर अपीयर्स इन द ड्राइंग एरिया व्हेन यू सेलेक्ट द इरेजर टूल. अ स्क्वायर अपीयर्स ऑन द ड्राइंग एरिया. जो ड्राइंग एरिया है वहाँ पे स्क्वायर जैसा एक बॉक्स बनता है जब भी आप इरेजर टूल सेलेक्ट करते हैं. सो इज दैट राइट और रॉन्ग? यू नीड टू टेल दैट. The max. Now turn your page number 50. Come to question number C. Tick the right answer. The maximize button of the paint dash. जो maximize button होता है paint का, जब आप उस पर click करते हैं तो क्या होता है? Close the program, covers desktop या hides the program. इनमें से क्या हो जाता है जब भी आप maximize करते हैं button, maximize button को press करते हैं तो? आपको वो बताना है. क्वेश्चन टू, ऑन विच बार इज द मिनिमाइज आइकॉन प्रेजेंट. कौन से बार पे आपको मिनिमाइज आइकॉन दिखता है? टाइटल बार पे, मेनू बार पे या स्टेटस बार पे? ओके. नाउ थर्ड, विच टूल इज यूज टू स्प्रे इंक ऑन द ड्राइंग एरिया. स्प्रे जैसा कलर आप कौन से टूल से यूज करके करते हैं? एयर ब्रश टूल, स्प्रे ब्रश या डॉट ब्रश? फोर्थ, इन विच ग्रुप इज द पेंसिल टूल इज प्रेजेंट. शेप्स, टूल्स और कलर, इनमें से कौन से ग्रुप में आपको पेंसिल टूल मिलेगा? आपको वो बताना है. फिफ्थ, इन विच ग्रुप इज द टेक्स्ट टूल प्रेजेंट. टेक्स्ट टूल कौन से ग्रुप में होता है? टूल्स में, इमेज में या शेप्स में? यू नीड टू टेल दैट. ठीक है,